नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ सुवर पालकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांगी इच्छा मृत। 57 दिन से बैठे हैं कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुई सुनवाई। नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया, उचित माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजने की बात कही। 57 दिन से आंदोलनरत अपने मुआवजे की मांग को लेकर बसोर समाज की लड़ाई इच्छा मृत्यु तक आ पहुंची है। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पिछले 6 अक्टूबर से मुआवजे की मांग को लेकर बसोर समाज संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले धरने पर बैठा हुआ है। धरने के दौरान उन्होंने यहीं पर अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया है। यही नहीं, लकड़ी बांस का इंतजाम करके यहीं पर ये लोग अपना पुश्तैनी काम, बांस के बर्तन का बनाने का भी काम कर रहे हैं, यहीं से बेचने खरीदने का भी काम कर रहे हैं। इनका खाना भी यहीं पर बन रहा है, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन भी चला रहे हैं। बसोर समाज के लोग चाहते हैं जिस तरीके से शासन ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जब फैला था तब वादा किया था मृत जानवरों के बदले में भुगतान किया जाएगा, अब शासन भुगतान करे, लेकिन शासन भुगतान के बजाय उनकी बात भी सुनने के लिए नहीं आ रहा है। पिछले 57 दिन में कोई भी अधिकारी कर्मचारी नेता बसोर समाज के बैनर तले होने वाले आंदोलन में नहीं पहुंचा, उन्हें जानने समझने की कोई भी कोशिश नहीं की। बसोर समाज का साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जानवरों के बदले मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार भी मुआवजा दे। हमें मुआवजा चाहिए, सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारे जानवर मरे हैं, आज स्थिति हमारे सामने विकट हो गई। हमारे पास जो भी खाने पीने के लिए था वह सब खत्म हो गया, हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, कैसे गुजारा करें, बड़ा सवाल हमारे सामने यही है। अब हम जिंदगी से हार गए हैं, हम मरना चाहते हैं, जिसके चलते इच्छा मृत्यु का ज्ञापन लेकर पहुंच गए रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर। नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगा इच्छा मृत्यु। हमारी टीम ने संयुक्त किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह और 10 समाज के अन्य लोगों से बात की। उनका कब तक ऐसे चलेगा ये अनवरत? चलेगा जब तक इन बसोर समाज के आंदोलनकारियों की सरकार पीड़ा को नहीं सुनेगी और मुआवजा नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। आज 57 दिन है और यहाँ शिवराज सरकार के 8 पहरेदार विधायक हैं, मोदी सरकार का 1 पहरेदार सांसद है। किसी को शर्म तक नहीं आई कि ये बसोर समाज का तबका, जो सबसे कमजोर समाज से आता है, गरीब समाज से आता है, वो इतने दिनों से रात दिन यहाँ पर पड़ाव पर पड़ा है, लंगर डालकर पड़ा है, पीड़ा सुना रहा है, अपनी मांग के लिए निवेदन कर रहा है। किसी भी जिम्मेदार ने यहाँ आने का जो है मन नहीं किया। और इसी तरह मैं तो इस कलेक्टर की निंदा करता हूं जहां हम बैठे हैं। ये कलेक्टर जो है, पहले भी रीवा के इतिहास में आंदोलन होते थे, लेकिन जिले का मुखिया बिल्कुल 24 घंटे के अंदर जो भी पीड़ित यहां पर धरना बैठता था उनकी बात को सुनने आता था, लेकिन ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से ये सरकार का कलेक्टर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टर है, जिसने आज तक पीड़ा सुनने का काम नहीं किया। हमने कलेक्टर से लेकर के सीएम, राज्यपाल, महामहिम राष्ट्र महोदय सबको हमने ज्ञापन सौंप चुका है। आज बसोर समाज के लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग की है, उनसे याचिका किया है, उनको संबोधित एक आवेदन जो है कलेक्टर साहब को 1:30 बजे सौंपने का काम किया गया है। और उनका ये कहना है कि अब हम जो है किसी तरह जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके संबंध में जो हमारे बसोर समाज के प्रमुख हैं प्रदीप जी, जिनके अगुवाई में इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया गया है, वो अपनी बात रखेंगे। आज आपने इच्छा मृत्यु का ज्ञापन दिया जी, क्या किस तरीके का ज्ञापन है, क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर, मैं मेरे बसोर समाज का और मेरा भी खुद स्वयं मैं बसोर हूँ। हम लोगों का रोजी रोटी पहले बांस था, जो शासन प्रशासन ने 30 साल पहले ही बंद कर रखा, जो मुख्य धंधा था। उसके बाद हम लोग सुअर पालन का धंधा चालू किए। सुअर पालन में भी कुछ बीमारी से बहुत सारे जानवर मर गए, उसको जो बचे थे तो कलेक्टर ने आदेश देकर मरवा दिया और मुआवजा देने के लिए बोले थे 1 क्विंटल जानवर में 15,000 रुपए दिया जाएगा।
उनको ना पैसा मिल रहा है पूरा, और जिनका मर गया अपने आप बीमारी से उनको तो बिल्कुल ही कुछ बोलते कि शासन प्रशासन कानून में कुछ लिखा ही नहीं, आरबीसी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम लोगों का बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। तो सर हम चाहते हैं कि हमको राष्ट्र महोदय राष्ट्रपति महोदय जी से हमने मांग किया है कि हमको इच्छा मृत्यु देने का कष्ट करें। क्या नाम है? प्रदीप कुमार बसोर। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।